हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी 1.2 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा, एक लीटर सरसों तेल का दाम 190 रुपया है तो 3 लीटर 200 मिलीलीटर सरसों तेल का दाम कितना होगा। वीडियो को कंप्लीट देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो इसमें बोल रखा है कि एक लीटर सरसों तेल का दाम है 190 रुपया, ठीक है। तो पूछा है 3 लीटर 200 मिलीलीटर, तो पहले 3 लीटर का निकाल लेंगे आसानी से। क्या करेंगे, 190 को 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 190 को 3 से गुना करेंगे तो 0, 3 नंबर 27 के साथ 2, 3 एक 3 और 2 5, तो ये आ गया 570 रुपया। तो 3 लीटर सरसों तेल का दाम आ गया 570 रुपया। अब हमें निकालना है 200 ml सरसों तेल का दाम। तो 200 ml निकालने से पहले, सबसे पहले 100 ml सरसों तेल का दाम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जो दाम 1 लीटर का दे रखा है 190 रुपया, उसको 10 से भाग कर देंगे। 0 से 0 कट गया तो बच्चा 19 रुपया। तो 100 ml का आ गया 19 रुपया। अब 200 ml निकालना है तो 19 को 2 से गुना कर देंगे तो 19 दूनी 38 रुपया। तो 200 ml का आ गया 38 रुपया, 3 लीटर का 570 रुपया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 570 को और 38 रुपया को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 8 7 3 10 के 0 हासिल 1 1 5 6। तो टोटल आ गया 608 रुपया। तो 3 लीटर 200 मिलीलीटर सरसों तेल का दाम आ गया 608 रुपया।